खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाकर जबरदस्ती कर रहे कार्य को रुकवाने की मांग को लेकर सायला एसडीएम सीमा तिवारी को किसानों ने सौंपा ज्ञापन। भारतमाला परियोजना के ठेकेदार द्वारा काश्तकारों के खेत में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाकर कर रहे कार्य को रुकवाने को लेकर जिला कलेक्टर के नाम सायला एसडीएम सीमा तिवारी को किसानों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि भारतमाला परियोजना का कार्य सायला तहसील क्षेत्र के दहीवा, सांगाना, आलवाड़ा व खेतलावास सहित गाँवों में ठेकेदार द्वारा काश्तकारों के खेत में खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचाकर कार्य किया जा रहा है तथा जिसको लेकर काश्तकारों ने किसी भी प्रकार का मुआवजा राशि प्राप्त नहीं की है, न ही कोई सहमति दी है। वहीं काश्तकारों ने बताया कि शांतिपूर्ण आंदोलन 2 साल से किसान नेता एवं सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता के बीच वार्ता चल रही है, हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। वहीं खेतों में जब तक फसलें खड़ी हैं, जब तक भारतमाला परियोजना के अधिकारियों को हमारे खेत में नहीं आने दे। पिछले करीब 2 वर्षों से हमारी माता एवं बहन एवं किसान भाई परेशान हैं। इन NHI अधिकारियों से परेशानी के कारण कुछ भी घटना घटी तो तमाम प्रकार की जिम्मेदारी NHI अधिकारियों व प्रशासन की रहेगी। वहीं किसानों ने बताया कि हमारी समस्या को ध्यान में रखते हुए तुरंत प्रभाव से हमारे खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाकर जोर जबरदस्ती निर्माण कार्य को रुकवाने की मांग की है। इस दौरान हीर सिंह सांगाना, नारायण सिंह दहीवा, रगाराम देवासी, नानजीराम खेतलावा, शंपाराम दहीवा, दीपाराम दहीवा, दौलाराम दहीवा, महेंद्र सिंह दहीवा, सुमेरा राम सांगाना, उमाराम गलबाराम, उत्तम सिंह सांगाना व नजीर खान सहित कई किसान मौजूद रहे।